Liverpool is going on in this match. Oh my God, it's happened. थैंक यू सो मच। आज तिलक ग्रुप्स के भी डांसर्स को हमारे डिबेटिशन मेमोरियल सोसाइटी चिरीगुड़ा की ओर से उनको भी वाकई आज बहुत बहुत धन्यवाद हम लोग देना चाहेंगे। बीते कल की तरह आज भी कई कलाकारें हमारे बीच पहुंच चुकी है। सभी कलाकारों को हमारे इस बीट डिबेटिशन मेमोरियल सोसाइटी की चिरीगुड़ा की तरफ से ढेर सारी बहुत बहुत उनका हार्दिक अभिनंदन। और इस मंच पर जो रंगीत पर उन्हें पूरी तरह से क्षमा को भरने का प्रयास कर रहा है, खिलाड़ियों का हौसला को अपचय करने में सफल हो रही है, उसके लिए हम ढेर सारे उनका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा हम करना चाहेंगे। जी हाँ दोस्तों, फिर आप सबको पूरा फिर से एक बार स्वागत है इस मुकाबला जो कि एक तरफ राजू एंड ब्रदर्स जो कि फिलहाल अगर देखा जाएगा उनका जर्सी माइनस पर राजू एंड ब्रदर्स टीम ने रेड के साथ वर्ल्ड जर्सी पर क्योंकि हमारे मंच के कहीं नहीं लेकिन दक्षिणी छोर के दिशा में बिल्कुल उसके कमल थम चुका है राजू एंड ब्रदर्स के खिलाड़ी। और दूसरा फिलहाल वर्ल्ड ब्रेक के था लेकिन फिलहाल एक लाइट अपॉन को दिया गया है, वो टीम है 11 ब्रदर्स स्वर्णा मंच की टीम है। तो जहां पर खेल की शुरुआत के बाद गेंद को रिलीज किया ग्रीन अपन में यानी कि प्रोग्रेशन सर्कल में 11 ब्रदर्स टीम के खिलाड़ी राजू एंड ब्रदर्स रेड व्हाइट के साथ यहां पर ब्रेक पास देते हुए राजू एंड ब्रदर्स। और जहां तक मैं चर्चा करना चाहूंगा राजू एंड ब्रदर्स में 4 नंबर के खिलाड़ी विकास नायक जो कि फाइनल मैच का हीरो था टाटा मोटर्स से खेलते हुए और आज उस मैदान में शिरकत करते हुए अपने खेल का जवाब को दिखाने के लिए सुनील जी बिल्कुल सुनील लोहार यहाँ पर 7 नंबर की जैसे में यानी कि डीसी चांडीलास राजू एंड ब्रदर्स के नाम से कंप्लीटली आज एज ए तरुण एक मजे गोलकीपर एक चुंबक की तरह ऐसा मुझे लगता है कि झड़ के लिए कीपर को ग्लोव से चुंबक मैगनेट रखे हुए गेंद का और जिस तरीके से उनका जो एक्टिविटी है बड़े वंडरफुल बिल्कुल बहुत ही बढ़िया आप उनकी तारीफ कहना चाहेंगे। 10 नंबर के जैसे में यहाँ पर भूषण गेंद प्राप्त करते हुए खिलाड़ी को प्रदान किए थे हैंड्री बैट हुई है चल गई है टच लाइन से बाहर और इसके पश्चात दूसरा चक्र का पूरा मुकाबला खेलने के लिए तैयार रहेंगे YBC पूर्णा बनकाठी और मुकाबला में रहेंगे दोनों ही टीमों के कप्तान से गुजारिश करना चाहेंगे अपनी टीम को तैयार रखने के लिए। लाल गेंद मिली है यहाँ पे 11 ब्रदर्स टीम के खिलाड़ी को अपने साथी के लेकिन को सरकाता हुआ मनोहर यहाँ पर और जो आज राजू एंड ब्रदर्स नाम से खेले को डीसी चांडी टीम के खिलाड़ी कंप्लीटली उतारा है। और दूसरा फिलहाल 2022-23 के सीजन का रोकर फुटर टोर्ट की अगर बात करें ये है प्रेमिक शाम से प्रति के खिलाड़ी निश्चित रूप से लोहे के साथ लगे यहाँ पर फिनिशिंग का मौका ओ माय गॉड सुनील लोहार यहाँ पर पोस्ट में गेंद टकराई और किस्मत खराब करना चाहूंगा बालों में कहा जाता है कि किस्मत अगर खराब हो तो वो कैप्टन में बना हुआ आदमी को भी खुदा कर सकता है यहाँ पे वही घटी है। 7 नंबर एक स्टार ब्लास्टर खिलाड़ी सुनील लोहार ऐसे भी कहा जाए कि 100 सोनार की एक लोहार की वो साबित करने की कोशिश करना चाह रहे हैं लेकिन यहाँ पर एक बेडलक साबित होता हुआ हल्की सी गेंद उछाला कॉर्नर पॉइंट होते बॉक्स से काफी बाहर गया जी बिल्कुल प्रतीक्षा उस घड़ी का कि सुनील लोहार अपने हथौड़े का चोट किस वक्त लगाएंगे और विपक्षी टीम को एक झटका देंगे उस समय का प्रतीक्षा करता हूं। बिल्कुल बिल्कुल यानी कि आप आए उन पहाड़ के नीचे ये बात को साबित करने वाले हैं या खोदा पहाड़ निकला चुना ये बात को यहाँ पर उदाहरण को यहाँ पर साबित करेंगे दोनों ही टीम यानी कि दोनों टीम किसी भी वक्त यहाँ पर एक गोल दो गोल दर्ज करने में एक सफलता यहाँ पर जरूर यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे देखना होगा। फिलहाल ये तो ट्रेलर है पूरे फिल्म बाकी है इस मुकाबला का जी बिल्कुल यहाँ पर ब्रेक पास 11 ब्रदर्स टीम के खिलाड़ी एक छोटी सी पास अपने साथी के लिए ग्राउंडेड पास और काउंटर के लिए प्रयास करता हूँ लेकिन तब तक गेंद मिली फुल चांद को राजू एंड ब्रदर्स टीम से खेलते हुए गेंद गई है टच लाइन से बाहर बड़ा मुकाबला होगा एक शानदार मुकाबला। फिलहाल गेंद के साथ ठाकुर साथी खिलाड़ी 7 नंबर सुनील लोहार को एक अच्छी इकोरी सी पास गेंद के साथ आगे बढ़ जाएंगे कड़बे के बाद एक अच्छा पास खेला है यहाँ पर होल्डिंग प्ले और गेंद को
रिलीज करना चाहा फुलचंद महाली को देना चाहते थे अपन ठाकुर, लेकिन पिता से सफल नहीं रहे और लेकिन तब तक ब्रेकफास्ट हुई है और यहाँ पर अच्छी क्लियरेंस जवाब भी हमले के लिए तैयारी करते हुए यहाँ पर इलेवन ब्रदर्स टीम के खिलाड़ी, सुरक्षा पंक्ति काफी मजबूत यहाँ पर और चिन्ह में सफल रहे इलेवन ब्रदर्स। गेंद अपने साथ ही सरकाता हुआ, जमीनी पास, राउंडर पास और पुनः दूरी से ही निशाना साधना चाहा लेकिन टारगेट से बाहर। एक बेहतरीन मुकाबला लूनाराम ऐसा प्रतीत हुआ है मानो अगर इसके बारे में कोई चर्चा नहीं होती तो जो ग्रेट फिनाले का मजा इस मैच में मिल रही है हमें। मुझे तो ऐसे महसूस हो रहा था भाई हमारे लफ्जों का आवाज को आपने छीन लिया उसके शुक्रिया था प्रभाव, लेकिन मानो एक ग्रेट फिनाले का मुकाबला चल रहा है मैदान के बीचों बीच और इस मुकाबले में किसको मिलेगा इस आर्या पार में बड़ा पार, ये इस बात को हम जिक्र करना चाहेंगे क्योंकि एक तरफ नजर आ रहे हैं डीसी सनी के कंप्लीट टीम जो कि भाजू है ना ब्रदर्स की टीम से उतारा है कंप्लीट रसोई टीम ने, दूसरे तरफ अगर बात करें इलेवन ब्रदर्स तो ये रिमिक्स सबसे 2022 की कंप्लीट टीम है और दोनों टीमों के बीच के किसी भी वक्त एक सनसनी खेज का गोल हमें देखने का मौका मिल सकता है प्रभास। निश्चित रूप से दोनों ही टीम का फैन पॉइंट्स काफी ज्यादा है, अपने टीम के लिए प्रार्थना करता हुआ कि मेरे टीम जीत जाए उनके फैंस खुश होंगे, लेकिन बातों में कहा जाता है कि वसल के तकदीरों में क्या होता है वही होता है जो मंजूरे खुला होता है। जी बिल्कुल भाई, हम खुशबू बनकर हम गोलों से उड़ा करते हैं यही जज्बा को यहाँ पर और शुरू को दिखाना होगा दोनों टीम के खिलाड़ियों को। निश्चित रूप से अपने सपने को मुकम्मल करने के लिए दोनों ही टीम के खिलाड़ी जीत और प्रयास करता हुआ कड़ी मेहनत में सकते अच्छी गेंद यहाँ पर इलेवन ब्रदर्स से खिलाड़ी को फील करने का प्रयास, लेकिन तब तक गई है गेंद गोल लाइन से बाहर। तो अगर चर्चा करना चाहेंगे सफर को मुकम्मल करने के लिए जो खिलाड़ियों का मकसद बातों में कहा जाता है सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है, सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है, सिर्फ पंखे से कुछ नहीं होता जनाब हौसले के साथ भी उड़ान होती है। फिलहाल यहाँ पर अपनी को रिलीज करता हुआ चर्चा करना चाहेंगे शॉट ऑन द टारगेट के बारे में, दोनों ही टीम की तरफ से प्रयास हो रही है लेकिन अभी तक अंतिम स्पर्श यानी कि फिनिशिंग स्पर्श देखने के लिए हमें मौका मिली नहीं है। बिल्कुल इंतजार है वो घड़ी का वो इमेज क्षण का जैसे कि स्कोर हमें देखने को मौके मिले और परस्पर शैतर हर बात जो कि टाटा फुटबॉल अकेडमी के कैडेट बन चुकी है फिलहाल अमन के लिए लेकिन निशान इसके बाहर बहुत ही बेहतरीन मौका दिया पर अमर जैसे खिलाड़ी के लिए सीधे अगर गोल पोस्ट को अगर निशाना बनाते हैं तो शायद उनके हुए ऐसा लगता है ये क्षण ऐसा था कि तरुण बातों के लिए एक परीक्षण की घड़ी ये यहाँ पर ऐसे रखने को मौके हमें मिल सकता था। जी बिल्कुल ये तो मैच का शुरुआती क्षण है और इसी दूर से और आगे सरप्राइज आपको मिलेंगे सभी दर्शकों को एक से बढ़कर एक शॉट्स होंगे फसाद भी होंगे और रोमांचक मुकाबला कांटे की टक्कर यहाँ पर मौका अमन के लिए, अमन ने गेंद को रिलीज किया यहाँ और गोलमान ने क्या कमाल का चीज लिया बिल्कुल फर्स्ट बार को चीज किया अब तरुण जैसे एक बाजे गोलकीपर को बेटर पहला गोल डीसी चाली यानी कि राजू एंड ब्रदर्स टीम के खिलाफ है। इसी ग्रुप से अमन यहाँ जान बाकी है जिगर में हौसला और सीने में जान बाकी है उड़ने के लिए बड़ा आसमान बाकी है ये तो छोटा सा इम्तिहान था आगे और भी कड़ी इम्तिहान बाकी है बाकी है। चलिए यहाँ पर एक बड़ा तब्दीली हुई है और राजू एंड ब्रदर्स टीम की तरफ से एक बड़ा तब्दीली जहां से फुलचंद माली को विश्राम दे चुका है और लक्ष्मण सरदार को टीम में शामिल कर दे लक्ष्मण सरदार कितनी असरदार साबित होगा यहाँ पर राजू ब्रदर्स टीम। और सबसे बड़ी बात है फुलचंद के बाद लक्ष्मण ने जो मैदान में इन किया है और किस प्रकार से अपने तीर को छोड़ेंगे और विपक्षी टीम को घायल करेंगे ये देखने वाली बात होगी। एक गोल से पिछड़ते यहाँ पर राजू एंड ब्रदर्स टीम के खिलाड़ी ने और प्रथम हाफ का धीरे धीरे आक्रमण के लिए तैयारी लेकिन तब तक तेजी से आगे आए यहाँ पर अटैकिंग मूड में
इलेवन ब्रदर्स टीम के खिलाड़ी टॉस किया है, मौका मिलता लेकिन तब तक एक बेहतरीन हेडर नए हेडर यहां पर राजू एंड ब्रदर्स टीम के खिलाड़ी लेफ्ट हैंड की एक साथी के लिए और मोमेंटम को क्रिएट करने का मौका यहां पर सुनील लोहार मैच में कमबैक करने के लिए प्रयास करेंगे। टीम में उनका अहम किरदार भी रही है और यहाँ पर पराना की जैसी में टीम की तरफ से टू कूल गेंद को प्राप्त करता हुआ जहाँ पे पूरा बेखिल पास बिल्कुल एक दूसरे के साथ संतुलन बनाने का प्रयास विकास ने गेंद को रिलीज किया और भी मौका मिलते गेंद रिलीज किए पोजीशन में गेंद अभी भी इनसाइड द पेनल्टी एरिया बैक पास बना लेकिन सटीक पास नहीं और खतरा टल चुकी है। जी बिल्कुल थोड़ी सी बाहर होने पर भीम और भीम ने यहाँ पर जोरदार जमीनी रूप का इस्तेमाल किया था लेकिन गेंद पूरा चेतन साथी के लिए यहाँ पर और धीरे धीरे यहाँ पर गेंद आगे बढ़ने की कोशिश हालांकि अकेला चारा भर नहीं फोड़ सकती थोड़ा सा होल्डिंग प्ले यहाँ और आमने सामने रंगलाल मुर्मू एक रीढ़ की हड्डी टीम का जितु बैक पोजिशन का टीम के कप्तान से गुजारिश करना चाहेंगे आप दोनों पूरे तैयारी के साथ अपनी टीम को देखने के लिए क्षण में आएंगे लाएंगे क्योंकि इसके बाद वाले मुकाबला आपको खेलना है जैसे इस मैच की परिसमाप्ति होगी आप दोनों को मैदान के अंदर प्रवेश करना होगा। फिलहाल यहाँ पर 12 नंबर के टुकुल गेंद सरकाते हुए जैसे नंबर 13 के लिए और 13 नंबर जिसमें भीम यहाँ पर और पुनः विकास के लिए और विकास चुने गए हैं ब्रेक पास में सुरक्षा पंक्ति के लिए यहाँ पर इलेवन ब्रदर्स साथी खिलाड़ी के लिए पुनः सेंट्रल डिफेंडर एक दूसरे के साथ बेहतरीन संतुलन बेहतरीन कोऑर्डिनेशन लाजवाब अंडरस्टैंडिंग और सही समझ बूझ के साथ गेंद को खेलते हुए गेंद रिसीव करने के बाद यहाँ पर गेंद सरकाए अमन के लिए अमन यहाँ पर गेंद को लीजिए लगभग 160 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से गेंद को रिलीज करता हुआ लगभग क्रॉसबार को चुनती हुई गेंद गई शिवाय का बाहर। जी बिल्कुल अभी तक तीन एक को एक आक्रमण गेंद को रिलीज किया अमन ने और तीन आक्रमण गेंदे में एक गोल उन्हें गोल में तब्दील करने में सफल और बार बार यहाँ पर उनको गलत तरीके से रोकने की कोशिश किया गया यहाँ पर अमन को पहला कौशन के रूप में पीला कार्ड का सामना करना पड़ा है और इस समय एक मौका यहाँ पर विकास के लिए विकास तैयार 10 गज की दूरी में ये वॉल गेंद को रिलीज किया लेकिन जब तक सुरक्षा पंक्ति यहाँ पर बेहतरीन क्लियरेंस देते हुए लंबी खींच गेंद गई स्पर्श लगा से बाहर और थोड़ा इनका मौका कोशिश करेंगे विपक्षी टीम ये है राजू एंड ब्रदर्स। For the next game, I would like to welcome for the team YBC Pune Bankati and our team is Kolkata FC. Captains of the team are requested to get ready and come to the technical zone to play their game after the finishing of this match. तो जबरदस्त मुकाबला तेने जाना मैच शुरू करा सलाम को गरीब दर आंतरिक जब उन सबूत रंता है ना आई मस्त सहारा तो है ना जंतर से कोई तो नहीं कुशल रखना और सुबह की चंद कुन सितार भूंगे तेने दर्शक प्रिंस की बना कोना पेविलियन रे और मामा स्टेडियम रे और सब टीम्स तेने की वजह करा जो तो के जो तो वहाँ सभा बना हुआ एक से बढ़कर एक बना हुआ और भी तो मैच जुड़ी बिंदी सा उनका इके बच्चे छुपा नहीं हिरी के घर चमत्कारी गोल एक सुपर कमबैक राजू एंड ब्रदर्स टीम प्लेयर बड़े इम्पैसी एंड 1:1 लेवल पोजीशन गोइंग ऑन इन दिस मैच इस मैच में ओह माय गॉड यहां पर गोल करने के बाद बराबरी में आए और लाजवाब गोल के साथ भी बढ़ा गोल दाता हाथ उठा देंगे चैतन हंसा और भाई और तो किन खटोरी खटो किया
बॉडी लैंग्वेज गया एकदम चावले मरीज बॉडी मैं हो गया टेक्निकल जोन सभा तैयारी भी आईबीसी पूर्णा काठी और मुकाबला सेकंड राउंड रहा ये तो खत्म कबला तुम्हें सर चर्चा बनाई करना मेरे कमरे के इशू है जमाने कमरे के आए वापस ही ले आए और दोनों देखो जगह करते दो एक ने अपना तुम्हें नितों को लगाओ करते टीम राजू एंड ब्रदर्स में से कमरे कर रहा है जमाने नो आगे में डमरांग कुकली और नो कुकली पर कंचो तोड़ा मने रिपोर्ट को जो करना चालू चालू किसको बोले कौन सा हाथ साड़ी अपने पास हुई करना अमर को खोल के उन्हें कर बोले क्या नहीं उन्होंने गेंद रिटर्न लेना चांस अमन तेहन पहले खान सगुन और खुशी मिला विस्फोटक हुई और पिया मिसाइल जहां तो चैतन चौथा नंबर मिसाइल लेकर खिलोड़िया की ब्रदर्स टीम ने तो एक किलो का दो से पिछड़ रही है यहाँ देखने वाली बात होगी राजू एंड ब्रदर्स इस बड़ी भाव को मरहम के रूप में आपने दो नगर में सफल हो पाएंगे यार ही उनके लिए बड़ी चुनौती और एक टॉप का चैलेंज उनके आपने सामने ये मुकाबला क्योंकि अगर नगर में थोड़ी सी चूक होगी तो फिर से तीसरा को नगर में सफल हो सके लेकिन यहाँ पर देखना होगा क्या यहाँ पर राजू एंड ब्रदर्स टीम यहाँ पर दूसरा गोल निकालने में कामयाब हो पाएंगे यानी इस समय थोड़ा सा प्रभाव एक बड़ी चैलेंज को सामना कर रहा है निश्चित रूप से बातों में कहा जाता है संघर्ष जितनी कठिन होगी जीत उतना ही संघर्ष होगा फिलहाल यहाँ पर एक कड़ी चुनौती का स्वीकार करते हुए राजू एंड ब्रदर्स टीम के खिलाड़ी दो एक के ये मैच समीकरण के साथ ये मुकाबला चलता हुआ जीत गई है गोल लाइन से बाहर गोल की कमों का कोशिश करेंगे 11 ब्रदर्स टीम के खिलाड़ी कुछ समय का मैच बाकी है यानी बाकी के बचे हुए समय में इस मैच के दरमियान कमरे करने में कितने दूर तक सक्षम होंगे राजू एंड ब्रदर्स टीम के खिलाड़ी ये देखने वाली बात रहेगी जी बिल्कुल फिलहाल रगलाल 10 नंबर 2 और रगलाल एक लंबे कद काठी के खिलाड़ी और उन सोरेन है 15 नंबर पर उसके माथे पर विजय सरदार और विजय सरदार के पांव में गेंद होते ही यहां पर लंबी विकेट बच चुका